तो हेलो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मनीषा रानी। तो रिसेंटली मनीषा रानी ने एलिश यादव को फॉलो मार दिया। तुमने ऐसा क्यों किया था वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में तक जरूर देखना। सबसे पहले मनीषा रानी का रिएक्शन देख लेते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, अनफॉलो क्यों मारता है एलिश यादव को। तो देखते हैं उन्होंने ऐसा क्यों किया था। फिर लोगों को जज करें तो हम, हाँ ये सच है कि मैंने एलिश को अनफॉलो किया, लेकिन इसका जो रीजन है वो हम आपको बताते हैं कि मैंने क्यों उसको अनफॉलो किया। तो स्टोरी ये है कि एलिश की फ्रेंड कटारिया एक डील लेके मेरे टीम के पास आए थे। हमें साथ में कोलैब करना था। एलिश ने कोलैब किया, मैंने एक्सेप्ट भी किया, लेकिन एलिश ने कवर फोटो में अपना और अक्षय कुमार सर का फोटो डाल दिया। एक दो घंटे के बाद जब हम वो कवर फोटो देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कोलैब मैंने और एलिश ने किया था और वो वीडियो हम दोनों के प्रोफाइल में शो कर रहा था। तो जब मेरा प्रोफाइल है तो उसमें मेरा फोटो भी आना चाहिए, क्योंकि हम और एलिश दोनों किए हैं। तो इस बात पे हम अपनी टीम को बोले कि कटारिया से बात कीजिए, इसको हम दोनों का फोटो रहना चाहिए कवर फोटो में। फिर मेरी टीम ने कटारिया से बात किया, कटारिया ने इवनिंग में बोला कि ठीक है हम चेंज करवा देते हैं। फिर इवनिंग से नाइट हो गया, कटारिया ने बोला कि अभी एलिश फ्लाइट में है, 11:30 बजे वो आएगा, फिर हम खुद ही चेंज कर दें। फिर वैसे करते करते 1 बज गया, फिर मेरी टीम ने बात किया तो फिर एलिश डायरेक्ट फोन लेके बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है भाई बताइए, अभी तो कवर फोटो चेंज नहीं होगा। मनीषा को बोलिया कि जब नेक्स्ट टाइम वो कभी ऐसा कुछ करेगी तो वो अपनी फैमिली के साथ फोटो डाल दे। तो मुझे ये चीज़ बहुत, मतलब मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम कभी भी अभिषेक के साथ, एलिश के साथ कोई भी कॉलैब करेंगे तो हम शाहिद कपूर के साथ फोटो नहीं डाल देंगे, क्योंकि आप जिसके साथ कॉलैब किया आप उसका फोटो डालिएगा ना। लेकिन एलिश ने जिस तरीके से बोला कि अरे आप मनीषा को बोल दीजिए कि जब नेक्स्ट टाइम वो करेगी तो वो अपने फैमिली के साथ डाल दे, इस बार तो चेंज नहीं होगा, इस बार तो हम नहीं करेंगे, चेंज करेंगे तो मेरे प्रोफाइल में ठीक नहीं दिखेगा, मेरा कंधा दिखेगा, ब्ला ब्ला जो भी है, जो कवर फोटो 10 बार नहीं 100 बार चेंज कर दिया जा सकता, लेकिन उसने साफ साफ मना कर दिया। तो मुझे लगा यार जिस जो सोशल मीडिया पे मनीषा और एलिश #एलिशा चलता है, सारे इंटरव्यू में मनीषा मेरी अच्छी दोस्त है, हमारा बात होता है, ये सब वो बोलते रहता है, और अपनी दोस्त के साथ उसको एक कवर फोटो लगाने में किस बात का प्रॉब्लम है, आपको तो ये समझ में नहीं आया। ये तो नॉर्मल सी बात है कि कोई किसी भी आर्टिस्ट के साथ काम करेगा तो वो उसके साथ ही फोटो डालेगा, लेकिन वो इतना बोलने के बाद भी उसने साफ साफ मना कर दिया कवर फोटो लगाने से। नहीं, मनीषा रानी ने ऐसा क्यों किया था, बट एलिश यादव ने भी अनफॉलो मार दिया। तो एलिश यादव ने अपना स्टेटमेंट दिया लेटेस्ट वाले इंटरव्यू में, क्या कहा आप खुद सुन लो एक बार। आया कि मनीषा रानी और आपने अनफॉलो कर दिया एक दूसरे को, इज देयर एन इशू, बिकॉज़ वो एवरीबॉडी व्हेनेवर आई पुट अप अ स्टोरी एवरीबॉडी कीप्स टेलिंग मी दैट प्लीज डू एन एलिशा इंटरव्यू बिकॉज़ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, बट क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है या पता नहीं, मेरी बात नहीं हुई एक्चुअली, और उसी ने अनफॉलो करा था पहले, तो मैंने, मेरे को पता ही किसी ने भाई कि अनफॉलो कर दिया, मैंने कहा पता नहीं क्या है यार अनफॉलो, ये अपने को ना समझ नहीं आता ये चीज़ें कि दोस्ती या फिर किसी भी चीज़ पे कोई इशू हुआ, वैसे इशू भी नहीं था मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा कि अनफॉलो कर दिया ना, बट बच्चों वाली हरकतें लगती हैं मुझे कि छोटे बच्चे नहीं करते अनफॉलो कर दिया ब्लॉक कर दिया, तो ये है भाई मैंने तो करा नहीं। इसी साथ एलिश यादव का फ्रेंड लव कटारिया का भी रिएक्शन आ चुका है, लेकिन आप खुद पढ़ लेना। तो आज के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग भाई। 2K सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, फटाफट करवा भाई, आपके लिए तो बहुत आसान चीज है।